गोरखपुर जिले में शनिवार को 395 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, वहीं 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। अब गोरखपुर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,829 हो गई है। इनमें से 130 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है, जबकि 5,980 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं ज़िले में अभी भी 2,849 कोरोना मरीज एक्टिव हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि शनिवार को नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों में शहरी क्षेत्र में 232 और ग्रामीण क्षेत्र में 124 सहित अन्य 38 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों में सदर क्षेत्र के शाहपुर थाना क्षेत्र में 58, गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 8, राजघाट थाना क्षेत्र में 15, तिवारीपुर थाना क्षेत्र में 12, कैंट थाना क्षेत्र में 54, कोतवाली थाना क्षेत्र में 46, रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में 6 और गुलरिया थाना क्षेत्र में 16 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्र के भटहट में 3, बांसगांव में 7, गगहा में 6, गोला में 2, खोराबार में 20, पिपरौली में 4, सहजनवा में 8, पिपराइच में 10, सरदारनगर में 9, उरवा में 3, पाली में 2, कैंपियरगंज में 7, कौड़ीराम में 1, खजनी में 6 सहित अन्य 38 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इसकी जानकारी सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी है। उन्होंने बताया कि नए पाए गए कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों की कोरोना की जांच कराई जाएगी, साथ ही इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सैनिटाइजेशन का कार्य कराने के आदेश दिए गए हैं। जो भी नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है।